बीजेपी ने पार्टी में शामिल हुई जानी मानी रेसलर बबीता फोगाट को चरखी दादरी से टिकट दिया है। बबीता फोगाट चुनाव प्रचार के लिए निकली थी। इस दौरान बबीता फोगाट से एक शख्स ने पूछ लिया कि कुछ दिन पहले तक आप जेजेपी में थी, तब बीजेपी पर कटाक्ष करती थी और कहती थी कि ऐसी पार्टी आज तक हरियाणा में नहीं आई। आज जब आप बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं तो उन बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बाद बबीता फोगाट ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी के बारे में ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने यह भी कहा कि आप पुराने वीडियो देख लीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ कभी किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस शख्स को चुप करा दिया। हम युवा वर्ग उसके साथ जुड़ गए, आप जुड़ गए इतने कटाक्ष में बीजेपी का, एक महीने पहले मुझे इतना ऐसे तो आज तक तो नहीं 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 मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। आप बेशक चेक कीजिए, मैंने कभी किसी पार्टी का विरोध नहीं किया। तो महिला रेसलर हैं और इस शख्स का जो कि सामने तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, इसका कहना है, सामने उनके बबीता फोगाट ही खड़ी हैं, उनका यह कहना है कि आपने जेजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद हम भी आपको युवा खिलाड़ी समझकर उस पार्टी से जुड़ गए और उसके बाद आपने बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लड़ना तय कर लिया। उसके बाद जवाब में बबीता फोगाट ने कहा दरअसल कि उन्होंने कभी किसी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये शख्स और भी सवाल करना चाहता था लेकिन यहां बैठे बबीता फोगाट के समर्थकों ने उसे चुप करा दिया। नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। आप बेशक चेक कीजिए, मैंने कभी किसी पार्टी का विरोध नहीं।